Hello and welcome this is Miniv Goswami and you're watching us live in our live and interactive session you're watching this live at PME Vidya channel number 5 as well as on our YouTube channel which is NCERT official with that you're watching our live on NCERT PME Vidya class 5 today we have bring the subject maths for class 5 and the topic is boxes and sketches to make you understand this whole topic we are having in the studio Mr Rohit Upadhyay who, so who is a tgt maths mentor teacher at chandrashekhar azad government boys senior secondary school new friends colony uh, new delhi sir a very warm welcome thank you so much okay so, before we start this session, here's a piece of information for all our viewers who are watching us live. So, if you have any question, if you want to contact us, you can directly contact us on our phone number, which is flashing on your screen. And that the and that's the phone number is double zero double four four, zero, double five, nine. You can directly mail us at dth.class5 at -e the rate ciet.nic.n. और इफ़ यू वॉचिंग आर लाइव ऑन यूट्यूब सो यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन योर एनी क्वेरी इन द लाइव चैट बॉक्स सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट दिस सेशन वेर वी गोइंग टू स्टडी अबाउट बॉक्स एंड स्केचेज ऑफ क्लास फाइव सर शेल बी बिगिन ये श्योर सो आज का जो टॉपिक है बॉक्सेज एंड स्केचेज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम हर समय अलग अलग तरह के बॉक्सेस से घरे रहते हैं बच्चे भी हमारे अलग तरह के बॉक्सेस जिनको बच्चे डब्बे भी कहते हैं डब्बे देखते हैं और इस चैप्टर में हम बेसिकली इन बॉक्सेस को ही एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे जो क्यूब होते हैं क्यूब शेप्स और किस तरह से हम उसको फोल्ड करके आ, क्यूब में बना सकते हैं या क्यूब को हम अनफोल्ड करके उसका शेप कैसा होता है okay. तो हम वो एक्सप्लोर करेंगे उसके अलावा फ्लोर मैप और डीप ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट वेज से हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी आ, बॉक्स को किस तरह से देख सकते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे ओके सो so, स्टार्ट करते हैं जैसा कि हम आ, बच्चों आप लोग देखते हो कई जगह आपको मिठाई के डब्बे दिखते हैं आपका पेंसिल बॉक्स दिखता है ज्योमेट्री बॉक्स दिखता है या आपकी मम्मी का बैंगल बॉक्स या फिर आप जब जूते लाते हो तो आपका सू बॉक्स या हमारे पुराने घरों में जो हमारा संदूक होता था ये सभी आ, हमारे जो होते हैं वो बॉक्सेस होते हैं एक तरह से कि जिसमें हम कुछ रखते हैं कुछ सामान रखते हैं और आपने देखा होगा जहाँ तक बात है स्केचेस की जब भी आप ड्राइंग करते हो किसी चीज़ को या इन्हीं बॉक्सेस को आप सिंपल फिगर्स में ड्रा करते हो तो उसको हम स्केचेस कहते हैं okay. तो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एक स्वीट बॉक्स की कि बच्चों आपकी क्लास में ही कई बच्चे जब स्वीट्स लेते हैं या फिर आपको मिठाई मिलती है तो इस तरह का डब्बा आपको देखने को मिलता है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है हम इस तरह का ही डब्बा बनाने की कोशिश करेंगे तो हम हमने कटआउट ले लिया है जो आपकी बुक में ही है और हम इसको फोल्ड करके बॉक्स बनाने का ट्राई करते हैं सो so, हमने कट कर लिया है इसको और हम इसको जो हमारे पॉइंटर्स हैं उससे हम फोल्ड करेंगे आप देख रहे होंगे आ, कि ये वही मिठाई का डब्बा है जो हमें कई बार स्कूल में भी आ, आपको मिठाई मिलती है या फिर कई बार हमें कहीं ना कहीं मिठाई इस तरह के डब्बे में देखने को मिलती है सो so, इस तरह से एक बॉक्स बन जाता है और आप देख ही रहे होंगे हुँ। हुँ। ये बॉक्स का एक एग्जाम्पल है जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये बॉक्स जो है वो तैयार हो गया है बनकर कि किस तरह से ये बॉक्स बना है क्यूबॉइड की क्यूब की ये जो शेप है उसमें ये बॉक्स अब पूरी तरह से आ गया है सो so, आपने एक वर शब्द बोला क्यूबॉइड जिसको हम घनाव कहते हैं और इसमें अलग अलग, अलग आप फेस देख रहे हो hmm. अलग अलग इसके चेहरे हैं अगर हम ऊपर से देखें साइड से देखें hmm. या फिर बॉटम से देखें अलग अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं hmm. तो अलग अलग शेप्स है जो hmm. अगर आपने कहा ऊपर से देखोगे आप तो एक क्यूब जैसा एक हमें स्क्वायर शेप दिख रहा है exactly. अगर हम साइड से देखें तो हमें एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है सो दिस इज अ आइडल बॉक्स जो हम कह सकते हैं इसको और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ स्केचेस से किस तरह से क्या पॉसिबल है बॉक्स बनना ये आप देख रहे हैं कई सारी आ, फिगर्स हैं ए बी सी डी तो आपको क्या लगता है नी क्या सभी से बॉक्स बन जाएगा तो हम इसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं ये कुछ फिगर्स में यही सेम चीज़ ड्रॉ करके लाया हूँ हम बॉक्स बनाकर देखते हैं ओके okay. सो so, अगर हम फर्स्ट को आ, का बॉक्स बनाने की कोशिश करें तो लेट्स ट्राई कि क्या ये बॉक्स बन पाएगा सो तो ये डॉटेड लाइंस हैं हम okay. इससे इसको फोल्ड करने की कोशिश करेंगे ये दिस इज सिमिलर दिस इज दिस इज ऑल्सो एक क्यूबेडल बॉक्स ये भी एक क्यूबेडल बॉक्स की तरह बन गया okay. आपको दिख रहा होगा हाँ जी ये आपकी जो मैच बॉक्स होता है मैचिस hmm. की डिब्बी होती है उस तरह से भी कई बार लगता है क्या हम ए बी सी डी सभी फिगर्स को से बॉक्स बना सकते हैं आई डोंक सो मुझे लगता है uh, ये ही एक ऐसा फिगर था जिससे हम ये बॉक्स बना सकते थे और तो वो क्यूबॉइडल बॉक्स बनाए चलो आगे भी ट्राई करते हैं हम बी, बी से बनाने की कोशिश करते हैं क्या इससे पॉसिबल है नॉट uh, पॉसिबल नहीं ओके <laughs> <laughs> सो okay, uh, so अगर हम सी को देखें सी वाली फिगर uh, को देखें सो so इसका ये बॉटम हो जाएगा hmm. तो ये फ्रंट uh, उसका टॉप हो जाएगा जी और अगर हम इसको फोल्ड करेंगे सो hmm. so ये डेफिनेटली एक बॉक्स बन सकता है ओके okay. अगर हम डी को करके देखते हैं तो क्या डी पॉसिबल है बॉक्स बनना हम इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं ये ये साइड थोड़ा बड़ा है है। फेस hmm. इसका। so, वो बाहर आ रहा है। hmm. और एक साइड hmm. ओपन भी है एग्जैक्टली exactly. सो so, hmm. एक बार कई बार होता है कि हम बॉक्सेस में भी देखते हैं क्या बॉक्स ओपन है क्लोज है hmm. uh, तो उस तरह से भी हम चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं हम बॉक्सेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं हम सीधा क्यूब पर uh, hmm. क्यूब जो है वो एक डिफरेंट uh, टाइप का बॉक्स है जिसमें सभी फेसेस एक जैसे दिखते हैं आपको okay. uh, आप इसमें देख भी रहे होंगे कि इसमें अलग अलग फेसेस हैं कि अगर क्यूब में देखा जाए uh, मैं एक रूविक भी ले लेता हूँ अभी hmm. ये बॉक्स नहीं कहेंगे हम इसको बट इट्स इट्स अ सॉलिड क्यूब सो हम इसके अलग अलग फेसेस देख रहे हैं कि एक रेड uh, येलो ग्रीन ये सिक्स फेसेस हो गए सिक्स छह चेहरे हो गए इसके सो so, हम इस तरह से हम फेसेस देखते हैं कि एक क्यूब के या किसी भी बॉक्स के कितने फेसेस हो सकते हैं सो so, हम क्यूब को और आगे एक्सप्लोर करेंगे कि क्यूब किस किस तरह से हम क्यूब को एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक ग्रिड ग्रिड पेपर है ग्राफ पेपर है ग्राफ पेपर पे हमने कुछ बॉक्स बनाए हैं जी क्या इनको फोल्ड करके हम बॉक्स बना सकते हैं क्यूब क्यूबिकल बॉक्स बना सकते हैं आ, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं तो क्या सभी फिगर्स जिसमें छह फेजेस हम ड्रॉ करें क्या सभी से क्यूब क्यूबिकल बॉक्स बनना पॉसिबल है हम वो भी एक बार देखेंगे जी। मेरे पास कुछ और फिगर्स भी हैं सो हम उसको भी एक्सप्लोर करके देखते हैं सबसे पहले इसको क्या इससे क्यूब बन सकता है mm. बच्चों आपको क्या लगता है क्या इससे क्यूब बन सकता है क्यूब में हमने देखा कि छह फेसेस होते हैं सिक्स फेसेस यहाँ पर भी एक दो तीन चार पाँच फेसेस है हम इसको फोल्ड करने की कोशिश करते हैं यस पिंग सो आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा देखेगा कि आपके क्यूब आप क्यूब बना सकते हैं अलग अलग फिगर से सो so, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं क्या इससे पॉसिबल है क्यूब बनना अगेन लेट्स चेक इससे भी बन गया बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास आ, सेम उस तरह से नहीं होते ये सभी स्क्वायर्स उस तरह से अरेंज नहीं होते होते कि हर बार क्यूब बन जाए ओके okay. सो so, uh, मेरा आप सभी से uh, एक रिक्वेस्ट है कि आप एक्सप्लोर कीजिएगा किस तरह से हम सिक्स फेसेस को अरेंज करें जिससे क्यूब नहीं बन सकता आप चाहें तो एक साथ छः के छः बॉक्सेस को आपस में कनेक्ट कर दीजिए क्या बन पाएगा क्यूब लाइक like, देखते हैं पहले तो इसको चेक कर लेते हैं इसका इसका क्यूब पॉसिबल है या नहीं नीब आपको क्या लगता है बिल्कुल पॉसिबल है ये तो बन गया सो <laughs> so, uh, हम बहुत सारे फिगर्स अपने आम जिंदगी में भी देखते हैं hmm. कि आपने देखा होगा जब आप लूडो खेलते हो जो डाइस होता hmm. है वो क्यूबिकल शेप में होता है कई बार आप आइस क्यूब देखते हो तो आइस hmm. क्यूब भी आ, इस शेप में मिलते हैं हमें इस आ, तरह से मिलते हैं सो so, अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहली फिगर से हम दूसरी फिगर बना सकते क्या ये जो फोर्थ फिगर है बॉटम कॉर्नर में क्या वो ऊपर वाले आ, नेट से या ऊपर वाली शेप से बनी होगी uh, बिल्कुल बनी हुई होगी आप थोड़ा देखें ध्यान से देखें तो देखा देखें आप नीचे वाला थोड़ा बिगर है क्योंकि उसका फ्रंट फेस स्क्वायर शेप नहीं है जो फ्रंट okay. फेस है वो स्क्वायर शेप नहीं है सो दिस इज नॉट क्यूब दिस इज एक्चुअली सो आपको फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर मिलेगा या थर्ड फिगर भी मिल सकता है बट फोर्थ वाला नहीं मिलेगा क्योंकि एक क्यूब या स्क्वायर शेप से हम क्यूबोइड बना सकते हैं क्यूब बना सकते हैं क्यूबोइड नहीं सो so, इस वजह से आ, ये फोर्थ फिगर पॉसिबल नहीं होगी <laughs> आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है इस चैप्टर में आगे हम इन फिगर्स को भी अगर टर्न करके फोल्ड करके देखें तो इनसे भी पॉसिबल हो सकता है कि हम क्यूब बना सकें ओके okay. तो आप लोग सभी इन फिगर से भी इस तरह के ग्राफ पेपर पर चेक करके बनाइएगा कि आप भी बना पाएंगे क्यूब या नहीं बना पाएंगे और उसके साथ खेलिएगा आगे बढ़ते हैं और आपको यह भी लगता होगा कि किस तरह से हम पेपर पे क्यूब को सिंपल वे में ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे हम क्यूब एक थ्री फिगर है थ्री डायमेंशन या त्रिविमीय फिगर जिसे हम कहते हैं वो है उसको पेपर पे ड्रॉ करना कई बार टफ होता है बच्चों के लिए और अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रा कर लीजिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इस स्क्वायर के साथ एक और स्क्वायर ड्रॉ कीजिए फिर इसके वर्टिस जो है कॉर्नर जो है उसको आप आपस में ज्वाइन कीजिए वन टू थ्री एंड दिस दिस इज आप बहुत अच्छे से सिंपल वे में एक क्यूब बना सकते हैं हमारे बच्चे जो क्लासरूम में hmm. आप लोग बच्चों बनाते हो सो so सबसे पहले आपको क्या करना है आपको सबसे पहले आ आपको सबसे पहले एक स्क्वायर लेना है hmm. उस स्क्वायर के साथ एक और स्क्वायर ड्रॉ करना है okay. और सिंपली कॉर्नर्स को कनेक्ट करना है डाय दिस like जी डायनवे ओके दिस इज अ वे की वो आप बहुत अच्छे से आ, आरा आसान तरीके से क्यूब बना सकते हैं घन कहते हैं हम इसको हिंदी में घन को इस तरह से बनाया जा सकता है रोहित सर मेरा एक सवाल है यहाँ पर आपके लिए जैसे हमने क्यूब ड्रॉ करा दो स्क्वायर बनाकर ऐसे हम दो रेक्टेंगल बनाकर आपस में ओवरलैप करके क्यूबॉर्ड भी तो ड्रॉ कर ड्रा बहुत कर सकते सही कहा आपने नीब कि हम क्यूब स्क्वायर की जगह अगर हम दो रेक्टेंगल ले लेते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से हम क्यूबर्ड भी बना सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सभी बॉक्सेस क्यूब या क्यूबर्ड के फॉर्म में ही होते हैं या अलग तरीके से भी होते हैं सो so, आपने बहुत सारे बॉक्सेस देखे होंगे आप इधर कुछ नेट्स देख रहे हैं आ, और एक साइड में आप कुछ बॉक्सेस देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि पहले वाले से आ, अगर पहली वाली फिगर को अगर हम देखें पहली वाली फिगर को हम फोल्ड करें तो क्या बनेगा कौन सा बॉक्स बनेगा आपको क्या लगता है फर्स्ट वाले से हम किसको कोन कौन वेरी ट्रू फर्स्ट वाले को अगर हम कनेक्ट करेंगे कौन बनेगा सेकेंड hmm. पेपर को अगर हम फोल्ड करेंगे तो हमारा सिलेंडर बनेगा सिलेंडर okay. और अगर हम फोर्थ को करें तो हमारा एक पिरामिड बनता है पिरामिड और अगर हम ये जो थर्ड वाला आपको जो रह गया है उसको कनेक्ट करेंगे तो एक प्रिज्म बनेगा और सिंपल वे में अगर आप किसी भी पेपर को hmm. अगर आप सपोज दिस इज सेकेंड वन हमारा हम इसको फोल्ड करते हैं अगर हमने फोल्ड किया इसको तो मतलब सिंपल हमारा एक रेक्टेंगुलर uh, पेपर है हमने इसको फोल्ड किया इस तरह से तो एक सिलेंडर बन गया जी बट क्या ये बॉक्स है या नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ भी हम डालेंगे इसमें नीचे निकल जाएगा सो हॉलो दिस इज अ हॉलो मतलब ये बीच में हमें बॉक्स बनाने के लिए दोनों तरफ से बंद होना चाहिए थोड़ा सो हम इस तरह की फिगर्स को कुछ और उनके नेट्स को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम आ, नेट से या पेपर से फोल्ड करके आ, अपनी उन्हें शेप दे सकते शेप दे सकते हैं वेरी ट्रू आगे बढ़ते हैं अब जैसे आप देखेंगे एक कुछ रेक्टेंगुलर फिगर्स हैं उसको कनेक्ट किया गया है उससे हम क्यूबोइड आराम से बनाया जा सकता है कुछ फिगर्स हैं जिससे पिरामिड बनाया जा सकता है और नीचे आप देख रहे होंगे कि एक एक रेक्टेंगुलर है शेप है और दोनों ही तरफ एक छोटे छोटे सर्कल दिए हुए हैं Hmm. अगर आप इसको टर्न करोगे और फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो इससे हमारा एक सिलेंडर बनके तैयार हो सकता है okay. सेम इसी वे में हम आ, अपना कोन कोन को ड्रॉ कर सकते हैं कोन को आप फोल्ड करेंगे तो वो कोन इस तरह से बन जाएगा सो so, इस तरह से आप डिफरेंट स्केचेस और बॉक्सेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं अब बात आती है फ्लोर मैप्स की hmm. फ्लोर मैप्स आपने बहुत सारे आ, देखे होंगे घर कभी भी हम जब घर बनाते हैं तो नी, सबसे पहले ना घर बनाना शुरू नहीं करते हम पहले फ्लोर का एक बोलते हैं कि क्या डायमेंशंस हैं क्या उसका मैप होता है आपने कभी देखा है कि किसी फ्लोर का मैप या किसी ने आर्किटेक्चर पढ़ा हो या सिविल इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं वो उनका यही काम होता है कि पहले वो ड्रॉ करते हैं पूरा फ्लोर का उसके बाद बनता है हाँ मतलब ऐसा पहले आप वो पूरा एरिया का पैरामीटर निकालते हैं उसके बाद आप उस पर कोई भी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहले वो फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट है यस yes, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक आ, मेरे ही स्कूल में एक बच्ची थी उसके घर का ही कुछ फ्लोर मैप है ये hmm. और जो एन में भी आ, माला हमने देखा है कि इसमें विंडोज है कुछ डोर है और इस तरह से बना हुआ है अगर आप सही से देखें इसमें दो फिगर्स ही दिख रही हैं है। हमें एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर शेप को आपस में कनेक्ट करके जी। आ, बनाया गया है कुछ विंडोज दी गई हैं कुछ डोर तो इसमें आपको दिख रहा है कि फ्रंट साइड क्या होगा किसी भी घर का फ्रंट हमारा होता है कि जिधर डोर होता है बेसिकली तो आप सेकेंड फिगर में देख रहे हैं कि फ्रंट साइड हमने कहा जिधर डोर है लेकिन अगर हम इसी को विजुलाइज करें कि ये जो फ्लोर मैप है वो किस घर का होगा सो so, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है हमारे लिए जानना कि आप यहाँ फ्लोर मैप देख रहे हैं लेफ़्ट uh, साइड में hmm. और इधर चार घर दे रखे हैं हमारे सो hmm. so, हमें ये देखना है कि ये फ्लोर मैप किस घर का है सो so, बच्चों आपको क्या लगता है कि ये जो फ्लोर मैप है वो ए बी सी डी कौन से घर का होगा हम थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आप ऊपर टॉप पर देख रहे हैं फ्रंट साइड की जगह आप बैक साइड देखो तो एक टर्न करके आ रहा है आ, hmm. जो विंडोज है वो टर्न वाली साइड पर है अगर आप ए फिगर को देखते हो hmm. ए फिगर के बैक साइड में एक सीधी रेखा सीधी लाइन जा रही है जी सो so, डेफिनेटली जो फ्लोर मैप है वो ए वाली फिगर का तो नहीं हो सकता hmm. ए वाली फिगर में कंप्लीटली सीधी एक लाइन है जबकि हमारी आ, हमारे फ्लोर मैप में वो टर्न करके आ रही है अगर आप सेकेंड वाले को देखें बी वाली फिगर को देखें तो आप देखेंगे उसमें जो राइट साइड है वहां पर विंडो दिख रही है जबकि हमारे फ्लोर मैप में राइट साइड में विंडो नहीं है True. तो बी वाली फिगर भी पॉसिबल नहीं लगती मुझको तो अब रह गई हमारी सी और डी सी और डी में कौन सी फिगर होगी जिसका फ्लोर मैप इस तरह का है सो so, आपको क्या लगता है नहीं थोड़ा ट्राई करके देखिए गैस करके देखिए क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी इट्स सी जैसे दिखाई दे रही है इस वक्त क्योंकि बहुत सिमिलर हैं दोनों इमेजेस तो मुझे ऐसा लगता है सी में क्योंकि सी के अगर हम विंडो को नोट करें तो बहुत कॉर्नर में जाके वो विंडो है और मैप uh, में भी एग्जैक्टली exactly वैसा ही है कि विंडो थोड़ा सा पीछे जाकर है बहुत सही कहा आपने नहीं। hmm. कि इसमें आप देखेंगे सी में कॉर्नर में है साइड में है विंडो hmm. जैसा कि हमारे फ्लोर मैप में hmm. है जबकि डी फिगर में वो बिल्कुल सेंटर में दे दिया उन्होंने सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वेरी ट्रू सो बच्चों आपको भी यही लगा क्या ऑप्शन सी तो आप इस तरह के फ्लोर मैप आप सब लोग अपने घर के आप जहां रहते हैं उस घर के फ्लोर को आप मैप पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे उसका फ्लोर मैप बनाएंगे और देखेंगे कि आपका फ्लोर मैप आपके दोस्तों के फ्लोर मैप से कितना डिफरेंट है कितना अलग है सो so, आप सब लोग फ्लोर मैप बनाएंगे और देखेंगे कितना अलग अलग फ्लोर मैप आपको मिलते हैं अपने बच्चों के अपने दोस्तों के साथ आ, इस फ्लोर मैप को आप एक्सप्लोर करेंगे तो okay. आगे बढ़े नील नील्कुल सो <laughs> so, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आ, आगे पूरा मतलब देखा जाए कि आ, पूरा सिविल इंजीनियरिंग या hmm. आर्किटेक्चर जिनको पढ़ना है उनको ये बहुत करना होता है आ, तो बहुत ज़्यादा मैप्स वो बनाते हैं और इस तरह की फिगर्स पॉसिबल ही नहीं होती बिना फ्लोर मैप बनाए तो आगे देखते हैं hmm. कि यहाँ फ्लोर मैप दिख रहा है आपको एक जी hmm. इसमें कुछ फ्रंट फ्रंट साइड आपको पता चल रहा है कि इसमें फ्रंट साइड कौन सा है जिस जिधर डोर होता है उधर हम फ्रंट साइड कहते हैं बच्चों आ, अगर डोर नीचे है तो नीचे का फ्रंट साइड हो गया अब साथ में हमारे जो फिगर दी हुई है वो इसका बेसिकली फ्लोर मैप का बिल्डिंग है अब इस बिल्डिंग में हमें देखना है कि कहाँ कहाँ हमारे डोर्स होंगे कहाँ कहाँ हमारे विंडोज होंगे सो so, कहाँ आपको लगता है कि कहाँ इस आ, फिगर में डोर होना चाहिए आपको क्या लगता है आप भी अपने उसमें आप भी अपने जो कॉपी है पेन है आप जो भी आप बैठ के देख रहे हैं आप गैस कीजिए कि राइट right साइड वाली विंडो में राइट राइट साइड वाले फिगर में आपका डोर कहाँ होगा सो so, चेक करते हैं एक बार यहाँ पर यहां पर।, पर क्योंकि आपको आप कंपेयर कीजिए दोनों दोनों ही फिगर्स को कि राइट right साइड में वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में है हाँ। सेम हमने इधर लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर दिया ठीक क्या लेफ्ट बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में जो विंडो है hmm. क्या उसको इस बिल्डिंग में दिखाना पॉसिबल है एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वो फेज आपको दिख ही नहीं रहा है एक्जैक्टली exactly, वो फेज hmm. हमें दिख ही नहीं रहा और हम उसको hmm. दिखा भी नहीं सकते सो hmm. uh, so, आगे हम देखते हैं कि हम क्या किसी और विंडो को ड्रॉ कर सकते हैं hmm, कर सकते हैं जो हमारे पास ये दोनों विंडोज हैं राइट हैंड साइड की तरफ वो दोनों विंडोज हम ड्रॉ कर सकते हैं दिस वन हाँ बिल्कुल एंड दिस वन बिल्कुल सो दीज टू विंडोज एंड डोर कैन बी ड्रॉन बाकी सारे uh, जो windows हैं वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वो उस साइड में है उस जगह पर है जो हमें हम जिस परस्पेक्टिव से देख रहे हैं hmm. हम जिस साइड से देख रहे हैं उस साइड से हमें नहीं दिखता hmm. uh, आगे बढ़ते हैं और एक मैच hmm. बॉक्स से एक ब्रिज बनाया हुआ है सो hmm. so, हम ये देखेंगे कि ये ब्रिज uh, अभी हम साइड से देख रहे हैं इसको ओके okay. सो hmm. so, ये टॉप से किस तरह का दिखेगा फ्रंट hmm. से किस तरह का दिखेगा hmm. या अगर आप सपोज अगर आपके पास ये सिंपल सा एक बॉक्स है hmm. जो आप आ, अभी मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं अगर आप इसको टॉप से देखें तो आपको किस तरह का दिख रहा है ये एकगन हाँ एक हैगन हा, अगर मैं इसको टर्न कर दूं इस hmm. तरह से Hmm. तो आपको एक रेक्ट एंगल सा दिखेगा hmm. अगर आप आ, किसी और तरह से देखते हैं तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने से अलग अलग hmm. साइड से देखने से हमें बिल्डिंग बॉक्स या जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो अलग अलग तरीके से दिखता है जी. अब हम इस ब्रिज को देखेंगे कि ब्रिज को हम अगर हम टॉप से देखें तो किस तरह का दिखेगा hmm. और अगर हम फ्रंट से देखें तो hmm. किस तरह का दिखेगा ओके okay. सो so, अगर हम टॉप से देखें तो हमें व्यू है यस yes, तो okay. कुछ तरह कुछ इस तरह का देखेगा. Hmm. और अगर हम साइड से फ्रंट से देखें फ्रंट से तो कुछ इस तरह का देखेगा. ओके okay. सो so, uh, उम्मीद है आपको ये पर्सपेक्टिव uh, से अलग-अलग चीजों को देखना अच्छा लगा होगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ना केवल ऑब्जेक्ट्स को चीज़ों को बल्कि सभी जो भी आपके आसपास में एटमॉस्फेयर में चीज़ें होती हैं उनको गणित की नज़र से देख सकेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच सकेंगे और उसको अनुभव कर सकेंगे नीप? इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर काफ़ी मजा आया इस चैप्टर को और जो हमने शेप्स के बारे में देखा कि बेसिकली uh, हमने आज इस चैप्टर में बॉक्स एंड स्केचेस में पढ़ा कि किस तरह से थ्री डी शेप्स की वजह से हम इन चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई uh, करके देख सकते हैं उनके साथ खेल सकते हैं उन बॉक्सेस से कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो काफ़ी मजेदार रहा चैप्टर थैंक यू सो मच रोहित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को इतने आसानी से इन सब चीज़ों को समझाने के लिए लेकिन फिलहाल के लिए तो इस सेशन में इतना ही पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि हमारे लाइव इंटरक्टिव सेशन लगातार जारी रहेंगे हमारा जो अगला सेशन है वो है क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये होगा साइंस का सेशन जो लेंगी मिसेज करीमा शर्मा तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा अपना बहुत ख्याल रखेगा थैंक यू